taking everyone. Love remembrances. सबका याद प्यार लेकर मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई और बाबा ने बहुत ही स्नेह के साथ भोग स्वीकार किया और फिर बाबा बहुत बहुत प्रेम भरी दृष्टि दे रहे थे एक एक बच्चे को और अपनी लाइट की किरणों द्वारा जैसे कि उनके हाथ हिल रहे थे हर एक के सर के चारों तरफ जैसे कि हाथ नहीं थे लेकिन वो किरणों द्वारा जैसे वो था और फिर बाबा ने दृष्टि देने के बाद कहा बच्चे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर बाबा ने बहुत प्यार दिया क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि बहुत टेंशन है बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर बाबा ने कहा इस समय लक्ष्य होना चाहिए हमेशा भरपूर रहने का जैसे ही आपको लगे कोई परसेंटेज या कोई मात्रा कम हो रही है उसी समय अपने आप को भर लेना है भरपूर बना लेना है कई बार हो सकता है आपको लगे कि प्रेम उमंग उत्साह शांति कि आप उसमें पूरे नहीं हैं तो कुछ है जैसे कि आज लग रहा है हो सकता है कि आज मैं शांत नहीं महसूस कर रही हूँ शांति है लेकिन मैं उसमें भरपूर नहीं हूँ तो बाबा ने कहा कि उसको इस स्तर तक कम नहीं हो जाए कि या तो विघ्न आए या फिर आप उसमें उलझ जाएं रुक जाए तो बाबा कह रहे थे जैसे बाबा उदाहरण दे रहे थे जैसे कई बच्चे जब वो कार ड्राइव करते हैं तो हमेशा अपना तो टाइम फुल रखते हैं लेकिन कई कहते हैं कि आधे हैं और कई अंत में बिल्कुल निकलते हैं और वो देखते हैं कहीं वो फिर फंस जाते हैं तो भरपूर रहना है तुरंत नोटिस करना है कि आज मेरे अंदर वही उमंग उत्साह नहीं है मैं आज भरपूर नहीं हूँ तो कोई तरीका अपनाना है जिससे उसको बढ़ाएं और फिर उसको पूरा भरपूर बना ले और फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में संगम युग पर वो समय है या युग है सर्व प्राप्तियों का और जैसे ही आप कुछ करते हो तो आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है और इसीलिए आपको कर्म योगी होकर रहना है लेकिन उसके साथ जब आप सेवा करते हो मनसा सेवा करते हो या वाणी द्वारा सेवा करते हो या जिस भी रीति से सेवा करते हो आपको उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है प्रत्यक्ष तो फिर मैंने कहा बाबा हम आत्मिक स्मृति पर ध्यान दे रहे हैं तो बाबा ने कहा क्योंकि आत्मा शरीर के भी बंधन में है और अब आप रच रहे हैं उस वो संबंध शरीर के साथ क्योंकि जब जहां बंधन होता है वहां दुख होता है तो जब दुख बंधन होता है वहां और चोट पहुंचती है जब जहां बंधन होता है तो हद में होते हैं लेकिन जहां संबंध होता है
तो वहाँ बहुत प्यारा अनुभव होता है। तो जब आपने अपने कर्म करे हैं देह भान में, तो अब फिर जो शरीर है वो अब डिमांड करेगा, क्योंकि आत्मा ने शरीर को इस्तेमाल किया कोई विकार के द्वारा, इस्तेमाल किया या कोई कमजोरी इस्तेमाल करी, तो अब उस परिवर्तन करना है उस बंधन को, और उसको संबंध बनाना है उस शरीर को इस्तेमाल करते हुए, गुणों से इस्तेमाल करते हुए, गुणों को इस्तेमाल करते हुए उन श्रेष्ठ कर्मों के लिए। तो बाबा ने कहा, वास्तव में जब आप सेवा करते हो, संबंधों को परिवर्तित करते हो, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको पुरुषार्थ करना है भरपूर रहने का, लेकिन बाबा के वरदान भी आपको भरपूर रखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म जो आप कर रहे हैं या संकल्प रख रहे हैं, आपको उसका फल प्रत्यक्ष मिलता है, तो आप भरपूर हो जाते हो। तो ये जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है आपके पुरुषार्थ का और बाबा के वरदान का, दुआओं का। तो फिर मैं बाबा को देख रही थी, और बाबा ने कहा, मैंने कहा कि बाबा ये पुरुषार्थ या वरदान पहले क्या होता है? तो बाबा ने कहा, अगर वरदान नहीं होते तो आप जो सब कर रहे हो ये सब नहीं कर पाते, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो। तो इस इतनी तमो प्रधान दुनिया में आप बच्चे अपनी पवित्रता बनाए रख रहे हो, अपनी अपना पवित्र दिल बनाए हुए हो, और ये सब बाबा के वरदानों द्वारा है। अगर आपको बाबा के वरदान नहीं मिल रहे होते, पुण्य काम कर रहे हो, तो अगर बाबा के वरदान नहीं मिले होते, तो यह असंभव है देह भान से मुक्त होना। वरदान है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो वरदान हमें मदद करते हैं पुरुषार्थ करने में, और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें और वरदान मिलते हैं और दुआएं मिलती हैं। और फिर बाबा ने कहा कि आप बनते हो अथक, और आप बंधनों से भी मुक्त होते हो। और बाबा ने कहा कि आप फिर आपको बहुत बहुत अलौकिक प्रेम भरा संबंध होता है देह के साथ, प्रकृति के साथ, संबंधों में भी। So lots of love. बहुत बहुत स्नेह बाबा से, सद्गुरु बाबा से, और बाबा के हाथ महसूस करें अपने सिर पर। बाबा बहुत बहुत स्नेह दे रहे हैं, सिर्फ हाथों द्वारा नहीं, जैसे कि मैंने कहा, उन किरणों द्वारा, और वो हाथों का जैसे महसूस करा रहे हैं उन किरणों द्वारा। तो बहुत बहुत प्यार सबके लिए। ओम शांति। The practice which we are doing, तो जो अभ्यास हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं और फिर हमें ये भी पता लगता है कि हम कितना अभ्यास कर रहे हैं, और फिर और वो कितना कितना प्रैक्टिकल है, वो कितना सच्चा है, वो अनुभव आएगा। तो अगर सिर्फ बुद्धि होगी हमारे, अगर सिर्फ ज्ञान होगा हमारे बुद्धि में, और हम उसे अभ्यास करके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो कोई अनुभव नहीं होगा। और अनुभव बहुत बहुत जरूरी है, जैसे कि जैसे हाँ दिन है, लेकिन अगर मैं अपने शरीर को देखूं,
और ट्रस्टी बनो इस तेह का। आमतौर पे हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, गृहस्थी और ट्रस्टी। गृहस्थी क्या होता है? जो गृहस्थ के कार्यों में उलझा रहता है पूरा समय। तो शरीर के लिए गृहस्थी कौन है? जो पूरा समय शरीर के जो ये ऑर्गन्स हैं, ये खींच रहे हैं किसी ना किसी चीज के लिए। कई बार आंखें मुझे खींचती हैं, कई बार कान मुझे खींच रहे हैं, कभी मुख खींच रहा है। क्योंकि फिर भी जैसे कि बाबा कहते हैं, बंधन है, जैसे बाबा कहते हैं। और फिर गृहस्थी के लिए बुद्धि हमेशा कोई ना कोई चीज के साथ जुड़ी होती है, कि ये घर है, ये घर का इसमें फर्नीचर है, ये जगह है, कितनी सारी चीजें बुद्धि खींचती रहती है। तो गृहस्थी की जो बुद्धि होती है वो हमेशा प्रकृति की ओर, सरकारी चीजों की ओर खींचती है, चाहे संबंध है, चाहे चीजें हैं। और लेकिन ट्रस्टी हर चीज का ख्याल करेगा, सब चीज का ध्यान रखेगा, लेकिन कोई खींच नहीं होगी। क्योंकि ये जो ये संकल्प है कि जो मैं और मेरा है, मैं और मेरा, ये बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बंधन है। तो मैं आत्मा हूँ और ये शरीर, मैं इस देह की ट्रस्टी हूँ। तो मैं फिर गृहस्थी में उलझी हुई नहीं हूँ, क्योंकि पूरा दिन जिसमें शरीर का ही ख्याल रखना है। तो इसीलिए एक बहुत बहुत सुंदर जो एक संस्कृति है हमारी, कि जो कुछ भी हमें देह को खिलाना होता है, हम बाबा को स्वीकार कराते हैं। Whatever we have to use, जो कुछ भी हमें इस्तेमाल करना है, हम बाबा को अर्पण करते हैं, ताकि फिर मैं गृहस्थी ना बन जाऊं। तो भोजन पकाते वक्त सिर्फ हमको ये संकल्प होता है कि हमें भोग स्वीकार कराना है, और ये बाबा के लिए, हाँ, और उसके बाद ये परिवार के लिए है, बच्चों के लिए है, हम सब के लिए है। तो जब हमारे को ये संकल्प होता है अंदर में, तो फिर गृहस्थी नहीं होता, वरना पूरा दिन तो गृहस्थी ही होता है ना। हम उठते हैं सुबह, तो फिर शरीर को ये चाहिए, तो फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर ये आत्मा को ये चाहिए, तो पूरा दिन ऐसे ही। तो एक होता है कि भोग स्वीकार कराना, और दूसरा है भोजन करते वक्त बाबा को याद करना। तो फिर आपको ऐसे महसूस नहीं होता ना, एक कहावत है, हम जीने के लिए खाते हैं, लेकिन हम खाने के लिए जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? हाँ, जो कुछ भी शरीर को चाहिए हम दें उसे, लेकिन खींच नहीं आनी चाहिए। तो ट्रस्टी होने के लिए भी देह के, लेकिन उसके गृहस्थी नहीं हो, क्योंकि जो देह की गृहस्थी है वो पूरा दिन है ना। लेकिन ये जो स्मृति है, ट्रस्टी की जो स्मृति है, वो हमें मदद करती है सब कुछ करने में, क्योंकि हमें ख्याल रखना है देह का भी, लेकिन हम खींचते नहीं हैं अपने ऑर्गन्स द्वारा पूरा समय। तो जब हम अभ्यास करते हैं, तो फिर हम नोटिस करने लग जाते हैं कि कितना बंधन आत्मा का है इस देह के साथ, चाहे संकल्पों द्वारा, कई बार कर्मों द्वारा। तो मुझे अच्छा लगता है जब बाबा कह रहे थे कि आप बंधनों को संबंध में परिवर्तन कर लो, आप उनको फिर उसमें आप भोगते नहीं हो। जैसे कई जो त्याग होते हैं इतने मुश्किल होते हैं, जैसे कि उसमें एक
कई रिलीजन में, कई धर्मों में जो त्याग होता है, कंपल्सरी होती है, कितनी सारी चीजें, इतने तो उनको इतने सारे दिन खाना नहीं खाना, और कितनी सारी चीजें ऐसे होती हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने देह को कंफर्टेबल रखना है, आपको इसको ऐसे सफर नहीं कराना कि, लेकिन पूरा समय ऐसे भी नहीं कि खींचते रहे देह से। हाँ, परिस्थितियां आएंगी, हो सकता है आप जिसके यूज टू हो वो आपके पास नहीं हो वो चीजें, लेकिन उसको फिर आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो ये नहीं मिला तो ठीक है, कोई ना कोई तो कुछ होगा। बाबा ने कहा है कि अगर आप ट्रस्टी हो तो अंत तक बाबा आपको दाल रोटी खिलाएगा, बाबा आपको जो कुछ भी चाहिए देह के लिए, वो इस शरीर के लिए वो बाबा आपको खिलाएगा। तो ये अभ्यास है जो मैं कह रही हूँ कि जो हम कर हमें करनी है, और जब हम करते हैं ना उस अभ्यास को, तब हमें पता चलता है कि क्या मुझे चाहिए ज्यादा और कहाँ पे मेरा बंधन है। तो अगर हम सिर्फ कहते हैं कि ट्रस्टी एक दिन के लिए हमने करा, लेकिन हम लूस लिस्ट में उसको जोड़ते चले जाते हैं जो एक, और अब हम कह रहे हैं कि इस शरीर का पोषण करना अच्छी आदतों द्वारा। तो हमें पोषण करना है ना देह का, लेकिन सिर्फ ऐसे जो टेस्ट है उसको संतुष्ट रखते हुए या बहुत ही बाह्य रीति से उसको खुश रखते हुए शरीर को, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, We are offering to Baba. अगर हमारा संकल्प है कि हम बाबा को दे रहे हैं, We have to purify the nature. तो हमें प्रकृति को पावन बनाना है। I always say when you peaceful, मैं हमेशा कहती हूँ जब आप भरपूर होते हो तो आप सिर्फ अपने श्वास के साथ ही शांति को नहीं जोड़ते, लेकिन उसके साथ साथ आप रचते हैं शांति आपके आपके आसपास जो वायु है उसमें भी, तो वायु भी शांत शांत स्वरूप हो जाती है। जो भी गुण मैं धारण करती हूँ आत्मा, और मैं उस गुण को इस्तेमाल करती हूँ इस देह द्वारा, तो उतना मैं, उसका अर्थ है कि मैं उतना प्रकृति को भी दे रही हूँ। और मैं समझने लगती हूँ इसको, और समझने लगती हूँ जब बाबा कहते हैं कि आपको प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है, आपको प्रकृति जीत बनना है, एक होता है प्रकृति जीत और एक होता है कि प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना। So when my attitude, तो जब मेरी वृत्ति, मेरे संकल्प, मेरे शब्द और मेरे कर्म जब सत्व प्रधान होते हैं, तो जो ये देह है ये प्रकृति का हिस्सा है, और क्योंकि मैं वो वाइब्रेशंस फैलाती हूँ, तो जो ये आवाज भी है वो भी एकदम शांतपूर्ण, peace in the nature, वो प्रकृति में शांति के प्रकंपन फैलाते हैं, उसको भी सत्व प्रधान बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही सहज अभ्यास है, और इस वृत्ति को बनाए रखना कि मैं ट्रस्टी हूँ इस देह का, मुझे इस शरीर का पोषण करना है। तो हमें अपने शरीर को सफर नहीं कराना, ऐसे दुख नहीं देना कि उसको खाना नहीं दे या फास्टिंग ऐसे। हाँ, कभी कभार व्रत रखना, फास्टिंग करना ऐसे तो अच्छा है, लेकिन
लेकिन ऐसे नहीं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ही कर दे या नहीं दे, या जो शरीर को चाहिए वो उसको देना है, क्योंकि उसको पोषण चाहिए। अगर आपके घर में पौधा हो तो आप उसको पानी देंगे ना, उसको सनलाइट, उसको सूर्य के किरणों के नीचे रखेंगे, तो उसी प्रकार देह को भी पोषण चाहिए। लेकिन हमारी आदतें, जब हम कहते हैं अच्छी आदतें, यानी कि सबसे पहले कि मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जरूर से कि जो कुछ भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस देह के लिए, मैं उसे पहले बाबा को देती हूँ, वो मुझे बाबा से मिला है। और उसके लिए तो ये जो पूरी जो सोच है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो बाबा की है, बाबा का है, जिन उनके लिए कई जो है हम में से कई हैं जो ऐसे जो सेंटर पे रहते हैं या समर्पित हैं, तो हमारी अपनी इनकम नहीं है। तो जो कुछ भी बाबा हमें देते हैं तो बाबा के भंडारे से हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक समय था, अब भी हम देखते हैं कई जगहों पर, जो कुछ भी आता है बाबा के घर में, चाहे फल हो, सब्जियां हो, या जो कुछ भी आता है, तो आमतौर पे हम वही इस्तेमाल करते हैं। नॉट जस्ट कीप रनिंग टू द सिर्फ शॉप्स, ऐसे नहीं कि दुकानों पे भाग रहे हो। बाबा के भंडारा का यह है कि चलो वैसे करते हैं, और फिर हमें मिलता भी है, जब हमें भोग भी मिलता है, तो शनिवार को हमें भोग मिलता है, फिर संडे मॉर्निंग को भी। सो फीलिंग शुड बी वेदर तो यू आर एट जो भावना है वो, जो हमारे, चाहे हम सेंटर पे हैं या फिर हम घर पर हैं, कि मैं जो भी मैं खा रही हूँ, मैं आत्मा, जो भी मैं आत्मा इस देह पर, जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, ये बाबा के भंडारे से मेरा नहीं है। एक समय था जब बाबा ने कहा कि जब भी आपको कोई पर्सनल गिफ्ट मिले, तब आप जब उस गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप याद करेंगे मुझे किसने दिया, ओ ये तो मुझे इसने मुझे दिया, तो फिर आपकी बुद्धि जो है वहां खींचेगी। So, if you तो say, इसलिए अगर आप कहें कि ये तो बाबा ने दिया है, so always remember that तो it's not हमेशा याद रखें कि ये मेरा नहीं है, ये बाबा से मिला है। everything, whatever you सब use, कुछ, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, Baba gave me, I'm बाबा using ने from मुझे my ये दिया और मैं बाबा के भंडारे से इस्तेमाल कर रही हूँ। So you're not doing out of habits, right? तो आप फिर सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे क्योंकि आपकी आदत है, Habits also pull us, no? तो If we have आदतें good भी हमें habits, खींचती है ना, अगर अच्छी आदत है तो। and one of that habit और is एक जो अच्छी आदत है वो है कि सही में कि हमेशा हमेशा contentment, whatever Baba संतुष्टता giving, हो, कि जो कुछ भी बाबा मुझे दे रहे हैं I'm very happy with that. मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, Whatever Baba is feeding me, I am जो भी happy. बाबा मुझे खिला रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ। So this deep contentment तो ये जो also, अंदर में गहरी संतुष्टता है, ये I have भी always आती है been जब this मेरे को feeling, हमेशा I ये belong to भावनाएं Baba. होती हैं कि मैं बाबा की, Baba is sustaining me. Baba is और बाबा nurturing me. मेरी पालना कर रहे हैं, बाबा मुझे Somewhere उगाए deep हैं। within तो I कहीं ना and my कहीं गहराई में जो बहुत मैं और मेरा, After all, it's my body. I have to take care. आखिर ये मेरी बॉडी है, मुझे इसका रखना है, It's so ऐसे interesting होता when है। तो ये Shiva इतना दिलचस्प होता है ना, becomes कि Brahma जब Baba's body. इतना दिल जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में At आते, that time, there were no तो running tap कोई water or shower. ऐसे नहीं, ऐसे No कोई शावर नहीं होते थे या ऐसे नलके नहीं होते electric थे, तो हमारे पास बाल्टी होती थी। और So while bathing, Baba used to तो say. जब बाबा, जब सब नहाते वक्त, तो बाबा कहते हैं कि ये तो शिव बाबा का रथ है, तो मैं इस रथ बा इस शिव बाबा के रथ पर, सिंपल एक्शंस, वेरी सिंपल बस एक्शंस बहुत साधारण कर्म, बहुत साधारण फीलिंग कर्म, जो इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ बाबा कर सकते हैं कि मैं बाबा की याद में एंड हूँ। इट्स इजी नो व्हेन देयर आर
और ये रेगुलर आसान है ना, क्योंकि जब जो कंसिस्टेंसी दो हमारे तो रोज के जो हम कर्म होते हैं, जो हम इस देह के लिए करते हैं, इसका अर्थ नहीं कि हमें बहुत कंसंट्रेशन करना है, बहुत एकाग्रता के साथ करना है। लौकिक वर्ल्ड बिफोर ज्ञान तो लौकिक दुनिया में भी पहले ज्ञान से दो वर्ड पहले, तो वी यूज्ड ये टू सही हियर में जब स्नान फ्रॉम करते वक्त आवर ही ब्रदर एंड सिस्टर्स हम इन देखते थे किचन कि हमारे बड़ों को कि वो ओम ओम ऐसे बोलते थे, व्हाई दे डूइंग इट व्हाइल टेकिंग कि शावर क्यों ऐसे स्नान करते वक्त हम कहते क्यों बोलते हैं वो। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि वो साधारण कर्म है, आपको उसमें ध्यान नहीं देना, एकाग्रता नहीं चाहिए उस कर्म में। तो आप बाबा को याद करो कि मैं इस देह को साफ कर रही हूँ, मैं इस देह को शुद्ध बना रही हूँ। तो हाँ, उसमें बहुत याद भर सकती है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ देह का खींच नहीं हो, लेकिन वो क्या है कि पोषण है श्रीमत के अनुसार। So we feed body with तो हम इस देह को pure पोषण करते हैं बहुत बहुत सत्व प्रधान भोजन के साथ, जिसे कहते हैं सात्विक भोजन के साथ। food. सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं, लेकिन उसको Not लिया जाता है, उसको बहुत ही पवित्र स्मृति के साथ। बाबा पुराने दिनों में, आदि के दिनों में, मुझे याद है कि मेरे को भेजा गया था, एक सेंटर खुला, तो बाबा ने ने 500 रुपये दिए। उस समय में 500 रुपये बहुत होते थे, और बाबा ने कहा बच्चे इस पैसे से ही भोजन खरीदना, क्योंकि कोई ब्राह्मण अभी नहीं बने थे अभी उस समय उस सेंटर पे। तो बाबा ने कहा कि हाँ, रेंट वगैरह आप उधर वो दूसरे पैसे से कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के लिए आप इस पैसे से भोजन करना, बाबा आपको और भेजेंगे। तो बाबा इतने पर्टिकुलर होते थे, इतना हमारे साथ, कि पैसा भी, क्योंकि जो सेंटर नया है ना, तो उसमें इतने ब्राह्मण नहीं होंगे, तो 6 8 महीने के बाद, जैसे कि जब वो ब्राह्मण बनते हैं, फिर वो बाबा की भंडारी में डालते हैं, तो बाबा पैसे देता है। तो बाबा कहते थे बच्चे इससे खाना। तो इतनी पवित्रता, बाबा उस पे इतना ध्यान देते थे कि जो धन है और हम उसे कैसे, क्या बाय खरीदते हैं और कैसे भोजन बनाते हैं और फिर उससे भोजन करते हैं। तो क्योंकि देह भी वास्तव में बहुत बहुत मूल्यवान है ना, बहुत बहुत मूल्यवान है। तो जितना हमको ये पूरी जो ये भावना, ये फीलिंग है कि मेरा पोषण हो रहा है और मेरी पालना बाबा के द्वारा हो रही है, और हाँ उसके साथ बहुत अच्छे आदतें जहाँ पे कि मुझे लालच नहीं है, Eating as much as necessary, not out of जो greed. उतना ही खाऊं जितना मुझे खाना है, उसमें लालच से नहीं खाऊं। lot of हो सकता attachment है with कि diet. बहुत बहुत खाने के Wants साथ to भी eat मेरा healthy food, but लगाव we eat that हो, food with किसी को है attachment. कि हेल्दी फूड खाना है, लेकिन हेल्दी फूड को भी उसको लगाव से खाएं So see, कि है कि नहीं। तो not eating हाँ, ऑर्गेनिक है तो क्यों acid. नहीं, ऑर्गेनिक खाना खाएं, लेकिन Everything will लाएं, come लेकिन फिर उससे and अटैच that नहीं, what मोह नहीं is हो जाए ना कि possible. मुझे यही खाना है। तो ये भी So बहुत that सूक्ष्म toxins होता and है। everything comes तो from your जो organs. जो पूरा पोषण अच्छा जो है Whatever वो देह में toxins आए, your body needs जो for कुछ energy भी आप देह को consciousness, देंगे उस स्मृति में, it will remain very healthy. तो वो बहुत बहुत It हेल्दी will remain स्वस्थ रहेगा, very तो वो useful बहुत avesa. बहुत काम आएगा बाबा की सेवा के लिए So भी। this awareness and तो consciousness ये जो is very, स्मृति है और जो very ये बहुत So, बहुत जरूरी है। तो सोचें इसके बारे में, अभ्यास करें और देखें कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे अभी भी सूक्ष्म लगाव है या मोह है। जब हम भोजन कराते हैं इस देह को, तब भी कहाँ कहाँ मेरा लगाव है, क्योंकि फिर वो मेरे मन को प्रभावित करता है ना। हमारे स्थिति जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, किसी भी connected with the habits किसी of the किसी भी mind. जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई भी आदत से हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। So it requires some subtle तो attention, इसके लिए कुछ सूक्ष्म ध्यान चाहिए creating और healthy अभ्यास भी चाहिए habits कि हम of सही स्मृति रखें। ओम शांति। mind.
ओम शांति टू ऑल ओम शांति आप सबको। ऑन दिस सतगुरुवार डे, ब्यूटीफुल डे, आज वी सेलिब्रेट सतगुरुवार के दिन इतना लवली सुंदर, अभी टीचिंग्स एंड हमारे देयर को मच इन इतना कीपिंग सुंदर प्यारा मैसेज मिला बाबा से, और बाबा वो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके साथ साथ बाबा हमेशा हमें इतने अच्छे रीते याद दिलाते हैं कि हाँ ब्लेसिंग्स ये यू अच्छा है, रियली लेकिन हेल्प अपने वरदानों को नहीं भूलना। आप सही में वरदान आपको आगे बढ़ा रहे हैं दुआएं, तो बहुत बहुत दिस प्रेरणाएं, मैसेज बहुत बहुत बाबा ने हमें ऊपर उठाया अपनी मैसेज से। एंड आई थिंक एज और मुझे लगता है कि जैसे सिस्टर मोहिनी वाज शेयरिंग दैट सिस्टर मोहिनी बता रहे थे कि प्रैक्टिसिंग क्वाइट हम जेन्युइनली अभ्यास कर रहे हैं बहुत बीइंग विद अच्छे देम से और गहराई से कर रहे हैं, हर डे हर पहलू को जो भी रोज रोज आ रहा प्रैक्टिस है, और जितना हम अभ्यास करते हैं, और हाँ उसमें हम नोटिस भी करते हैं क्या हमें किस पे हमें क्लोजर ज्यादा ध्यान देना है, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे क्या हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, कई स्मृति जो हमारे जो हमने जमा के रखी है थोड़े समय में, तो वो हमारे लिए इतनी नेचुरल हो गई है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें हैं, किसमें हमें ज्यादा ध्यान रखना है और कौन से हमारे, जैसे कि ऐसे नहीं कि अपने कंधे पे वो कहें कि अरे वाह, लेकिन कि हाँ नोटिस करा कि हाँ कोई चीजें हैं जो हम अच्छे से कर पाते So हैं। today was our practice तो and our आज का practice जो has दिन been था वो हमारा अभ्यास था कि ट्रस्टी के रूप में, विशेष करके इस देह के ट्रस्टी, और मुझे पक्का है कि हर एक को बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुए होंगे पूरे दिन में, है कि नहीं। बहुत बहुत हल्कापन, बहुत बहुत जैसे कि अटेंशन जो भी हमें करने हैं, जो भी हम कर रहे हैं इस देह के साथ, पर उसके साथ साथ बहुत बहुत Because after all, भावनाएं, जैसे कि हम चिंता मुक्त, क्योंकि अंत में मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है इस देह के लिए। तो बहुत बहुत अच्छी भावनाएं हैं, और उसके साथ साथ कैसे जो भी मुझे बाबा ने ट्रस्टी बनाया है, तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँ सेवा के लिए, सारे विश्व के लिए। तो मैं इस एक शब्द पर मैं पकड़ रही थी, जो तो जैसे कि अथक बोला कि अगर अथक होगा, जहाँ जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन एक जो तरीका है जो दिखाता है वो है कि आप बहुत और अथक होते जाते हैं। तो वो सही में वो एक जगह है जहाँ पे मैं और काम कर सकती हूँ मुझे। तो कहीं ना कहीं अगर थकान लग रही है, विशेष करके कि अगर वो यूजुअल से ज्यादा होते हैं, तो मुझे लगना है कि मैं क्या बंधन लेके या क्या बोझ लेके मैं चल रही हूँ कि मुझे इतनी आसानी से थकान हो रही है। तो मुरली जैसे कि वो एक रेड फ्लैग है, यानी कि एक Again, पॉइंट this was देखने a का है। quality, this was a तो thing हाँ, ये that क्वालिटी थी, ये गुण था, मुझे लगता था कि जो बहुत दिखती है कर्मयोगी में ज्यादा दिखती है, तो इतना बैठ के हम इसको गुण को नहीं अभ्यास कर सकते। आई थिंक ये कर्मयोगी का गुण है, जब हम काम करते हैं और ये अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कर्मयोगी होते हैं तो हम देह ध्यान रखते हैं कि हमारे क्या खींच होती है, अंदर में हमारी क्या बात चल रही होती है, और कितना कितनी बारी हम ये शब्द यूज इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरा, जो सही में बंधन लेके आते हैं। तो मुझे तो किसी ने वो टेप रिकॉर्डर कैरी करा अपने आप को सुनने के लिए कि मैं और मेरा कितनी बारी हम इस्तेमाल करते हैं। तो शब्द जो हम अंदर में अपने आप को बोलते हैं, उन शब्दों का क्या, मेरा ये, मैं ये, मेरा ये, तो उसका क्या। तो कुछ ऐसा जिसके लिए हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और ये जो गृहस्थी और ट्रस्टी जो एक जैसे सुनने में आते हैं, हर एक को वो वेरी समझ में नाइस आया ना। तो बहुत अच्छा अच्छा बाबा जो है ऐसे शब्द इस्तेमाल खेलते हैं। तो कई बार आप सोचेंगे कि गृहस्थी यानी कि आपके बहुत बड़ा परिवार हो, आपको बहुत बहुत परिवार से आपको खींच आनी चाहिए, लेकिन ये इस देह के परिवार का क्या, कितने सारे जो कर्मेंद्रियां, कितने सारे अलग अलग ऑर्गन, कहीं हम देख सकते हैं कहीं हम नहीं देख सकते, तो कितना पार्ट है जो कितने पार्ट हैं जो देह के जो हमें खींच सकते हैं। तो लेकिन जब हम उस कमल पुष्प के आसन पर होते हैं, तो बहुत मेरे अपने देह के परिवार जो मेरा गृहस्थ, तो इतना सुंदर, तो उसे कोई खींच नहीं, और बहुत बहुत आराम से अब हम जा रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जैसे जो अभ्यास है एक दिन तो दूसरे अभ्यास में जो हम जा रहे हैं,
तो जैसे कि मैं उस दिन कह रही थी, जैसे कि इतनी सुंदर रीति से जुड़ी हुई होती है और कितना कनेक्शन होता है, तो आज तो कल हम ध्यान रख रहे हैं आदतों पर. तो जो आदतें, विशेष करके जो हमारे कर्मेंद्रियों के साथ जो आदतें हैं, तो हमने इतना सुना आंखों के बारे में, मुख के बारे में, और क्या है जरूरी, कानों के बारे में, है कि नहीं. तो जो तीन बहुत बहुत जरूरी जो ऑर्गन है जो हमें खींचते हैं, आंखें तो हाँ जरूर से. तो दृष्टि के बारे में हमने एक दो दिन लिया, और आज सिस्टर मोहिनी ने बात करी कि कैसे जो मुख है और कैसे जो ये जिह्वा है, ये हमारे को टेस्ट की तरफ जैसे खींचती है, और हमें सही में उस अभ्यास में जाना है. तो बहुत सुंदर अभ्यास है जो बाबा ने हमारे रची है ये संगम युग पर, कि बाबा को पहले देना और फिर बाबा की याद में खाना. बहुत सुंदर है ना. और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि जो ये आंखों की जो खींच होती है ना, क्या होता है, कितना एडिक्शन होता है ना, कितना कितना हम आंखों कानों को देते हैं आवाज से, म्यूजिक से, ये वो सब कुछ. और मुझे लगता है कि उसी दिन ही बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा के गानों को सुनना है. उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था, और वही जो बाबा दिखाते हैं वही देखो. लेकिन उसके साथ बहुत बहुत कानों के लिए बहुत, इतना खास करके हमारे सेल फोन से और हमारे जो डिवाइस होते हैं कितना है. तो मुझे लगता है कल एक अच्छा दिन है कि अगर हम ध्यान दें अपने सारे कर्मेंद्रियों पे, सिर्फ मुख और आंखों पर ही नहीं, लेकिन हमारे कानों पर और हमारे, और हाँ, जिह्वा और टच पर भी, जो पांचवा जो जो होता है कर्मेंद्रिय, और जो इससे बड़ा जो वो है कि प्रकृति चित बनना. तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इतने छोटे छोटे उसमें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं वो कनेक्ट करती हैं आत्मा और प्रकृति के बीच का जो कनेक्शन है. तो हमारे को प्रकृति जीत बनना है, और हम प्रकृति को सत्व प्रधान बना रहे हैं. तो ये जरूर से बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचा, एक जैसे कि एक एक एम है. तो जो हमारा जो अभ्यास है जो कर का कल का, वो है, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, एक चैतन्य बीइंग, एक चैतन्य आत्मा प्रकृति के बीच में अपने कमल आसन पर विराजमान. मैं अपने कर्मेंद्रियों के साथ के संबंध को पोषण करती हूँ. मैं अपने कर्मेंद्रियों के साथ के संबंध को पोषण करती हूँ अच्छी आदतों द्वारा. मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, एक चैतन्य आत्मा भ्रिकुटी के बीच में अपने कमल आसन पर विराजमान. अपने कर्मेंद्रियों के साथ संबंध को पोषण करती हूँ अच्छी आदतों द्वारा. अपनी कर्मेंद्रियों के साथ के संबंध को पोषण करती हूँ. और दोबारा से जैसे मैं कह रही थी कि मेरे लिए बड़ा जो लक्ष्य है, जो जो हमारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, फिर जो ईमेल आता है, कितना कुछ रुक सकता है ना थोड़े क्षणों के लिए, लेकिन मेरे को खींच आते हैं कि मैं फटाफट देख लूँ, उसी समय देख लूँ क्या मैसेज आया, ये क्या आया. तो कितने कितने पहलू है ना उसके, कि हमारे जो जो हम अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखें, जो आप कल नोटिस करेंगे, और उसको लिखते जाना है. विशेष करके जो पांच बार जब हम बूंदे डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत कुछ है, ये कर्मयोग के साथ जो आदतें होते हैं वो भी कर्मयोग का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन जीने की शैली में आदतें आती हैं. तो आप देखेंगे कल इतनी बारी, तो ध्यान रखें, उसको अटेंशन दें, उन शब्दों को ध्यान रखें, मैं और मेरा और जो खींच आती है उनको भी. और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ हम सीख पाएंगे कल अंत तक, दिन के अंत तक. ओम शांति सिस्टर मोहिनी.
तो पूरे समय सब कुछ करना है मुस्कुराते हुए। तो जब आप मुस्कुराते हो और जब सब करते हो तो अपने लिए भी अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ औरों को भी उससे सहारा मिलता है। और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहना है और कर्म योग में रहना। तो मैंने देखा है कि अगर 6-8 लोग कुछ इकट्ठे करते हैं तो सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है और वो आनंद भी लेते हैं। तो अगर हम ड्यूटीज को बांटते हैं, जिम्मेवारियों को बांटते हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए अपना सहयोग देना है और सहारा देना है। तो खैर, अच्छा दिन रहे आपका कल, और देखें कि कैसे अपने मुस्कान द्वारा और हर्षित मुक्ता द्वारा आप पोषण कर पाते हैं अपने देह को और औरों को भी सहारा दे सकते हैं। ओम शांति। Welcome to Avyakti Journey. स्वागत है अभ्यक्ति यात्रा में। यज्ञ की कहानियां। यहाँ आए तो यहाँ तो एक तो कभी बाबा खरीदारियों पर भी भेजता था, लेकिन बाबा का मेरे एक बात बताऊँ, बाबा का मेरे से खास बहुत प्यार था। क्यों? मैं एक ही बच्चा था जो ऐसे मारपीट खा के बंधन मुक्त होके आया था, तो बाबा का बच्चा ने इतना सहन किया है, तो मेरे को बाबा खास छुट्टी देता था। तो मैंने मेरे पास आके मेरी वाणी भी सुन सकती हो, तो साइकिल पर मैं जाता था बाबा की वाणी सुनने के लिए। क्लिफ्टन पर रहते थे बच्चे अलग से एक बंगले में, लेकिन वहाँ से मेरे को छुट्टी से मैं जाता था, वाणी सुन के आता था। तो इसी प्रकार से बाबा तपस्या भी कराते थे, सेवा भी कराते थे, तो हर प्रकार से पालना ऐसे करते थे जैसे हम शहजादे हैं, कोई चिंता नहीं। तो मेरे को बाबा अपने अंग संगी रहते बहुत सारे, खास करके पिछाड़ी का समय है तो सात्मा का परम सौभाग्य है, इन हाथों का भी परम सौभाग्य है जो ऐसे प्यारा बाबा के रथ की मालिश भी करता था। तो बाबा के साथ अंग संग जाके सेंटर्स पर टेप भी भरता था। ये भी सब ड्यूटीज ऐसी मिली मेरे को जो बाबा के अंग संग रहे। जैसे एक बार मैं बताता हूँ, मैं जब मालिश पर बैठता था ना, खास करके पिछाड़ी के समय में, वो 67-68 से, मैं देखता था बाबा ऐसे उपराम होते जाते थे। मैं मालिश करता था, ऐसे लगता था जैसे बाबा है नहीं। अचानक शरीर में आके बाबा कहते, अरे बच्चे अभी तक मालिश कर रहे हो क्या? जल्दी करो, मेरे को पत्र लिखने हैं, बच्चों से मिलना है। मैं कहता था बाबा आप शरीर बन जाओ ना, ये शरीर तो आपने शिव बाबा को दे दिया ना, आप शरीर में क्यों आते हैं? अरे ऐसे रथ के तो मैं जितनी मालिश करूं उतनी कम है, ये रथ कैसा है जो दो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को सवारी देता है, तो ऐसे रथ की तो मैं जितनी मालिश करूं उतनी थोड़ी है। तो बाबा हंस पड़ते थे, बाप को बच्चा अभी ज्ञान देने लगा है, कहता है अशरीरी हो जाओ।
बाप बच्चों को कहता है शरीर बनो, अभी बच्चा बाप को कहता है शरीर बनो। ऐसे कई चट होती थी। और फिर बाबा अंगुली पकड़ के मकान का काम भी सिखाते थे, कैसे बनाओ बच्चे, ऐसे मकान बनाओ जो बच्चे आके रहेंगे तो ऐसे आराम से रहे कि उनको घर भूल जावे। और फिर जो कमरा बनाता था ना, कहता था वहां 5-7 दिन तुम रहो, रह के देखो कोई तकलीफ तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसी रीति से बाबा अशरीरी बनते 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 आखिर कर्मातीत हो गए। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे।